अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सबसे पहले आप जैसे सच्चे सहाफ़ी लोगों को मैं बहुत बहुत जो है मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि कई दिनों से चल रहा है कि मुमरा में कुछ जो है गोदी मीडिया है। ये मुझे जो इस बात को बहुत बड़ा अफसोस है कि सब लोग नहीं गोदी मीडिया है, आप जैसे लोग मुमरा शहर की तरक्यात की बातें कर रहे हैं। आज मैं इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया हूँ कि काफ़ी दिनों से और इस हफ्ते में जो हमारे शहर में औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो किसी राजनेता नहीं बल्कि यहाँ के जो स्थानीय आमदार थे उन्होंने टिप्पणी किया, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप टिप्पणी जो किए हैं तो आप ये 200 साल 300 साल पुरानी बात आपको याद क्यों आई, सबब क्या? इसका मतलब तुम देश में जो है हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, ये स्पष्ट हो रहा है। तो इसी संबंध में हमारे शहर के जो जन विकास फाउंडेशन ने जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का एक बोर्ड लगाया गया था दारुलपलम, आपको पता होगा, तो म्युनिसिपैलिटी ने वहाँ तत्काल आके उसको निकाल दिया गया। तो मैं उसी संबंध में कल जो है थाने महानगर पालिका कमिश्नर को जाके मुलाकात किया और उनको सबूतों के आधार पे कहा कि देखिए मुमरा शहर में जो सत्ताधारी हैं उनके फोटो बैनर जो है पूरे गलियों गलियों में बेबुनियाद लगे हुए हैं, उनको क्यों नहीं उतारा गया। तो उनको मैंने जो है जजमेंट दिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कि अगर थाने महानगर पालिका की जगह है वहाँ पे जब तक थाना महानगर पालिका परमिशन नहीं देती है उसका पैसा नहीं भरती है तो वहाँ कोई नहीं लगा सकता है। अगर वो जन विकास अघाड़ी का बोर्ड उतारा गया है इसी तरह से सारे एनसीपी के बोर्ड उतारना चाहिए, क्योंकि वो कायदा में बसत नहीं। तो हमारी इसीलिए आप लोगों को बुलाने का मकसद है कि हमने कमिश्नर जी को कल जो है जाके कानून कायदे के ऊपर जो उनको पत्र दिया कि तत्काल यहाँ पर कार्रवाई होना चाहिए, किसी पार्टी का बैनर फोटो नहीं लगना चाहिए, अगर लगेगा तो सभी का लगेगा। अगर एनसीपी का पार्टी का बैनर फोटो लगता है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ जो 15 साल से इस शहर में मुमरा प्रभाग समिति में अधिकारी बैठे, क्या उनके रिश्तेदार ये लग रहे हैं? और इंशाल्लाह जो ये देखिए वहाँ पे घास वाला कंपाउंड के पास एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है वो भी झूठा है, उसकी भी तकरार किया था, उसकी जांच हो गई है। बैनर जो लगता है जी वो मनपा से परमिशन लेके लगता है, अगर जी आप परमिशन लेके लगाएंगे जी तो मनपा क्यों उतारेगी? हाँ, उसी बात को जो हमारे शहर में आज जो उथल पुथल चल रहा है उसको बंद करने के लिए मैंने कमिश्नर को पत्र भी दिया और उनको जाके खुद स्वयं बात किया कि साहब ये जो बैनर फोटो के ऊपर राजनीति खाली कर रही है एनसीपी, वो उसको निकालना चाहिए और कानून में काम करना चाहिए। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सारे बैनर हम पूरे गलियों के निकालना चाहिए। हमने ये देखो सब लेटर के साथ में उनको कि भाई ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये जगह किसकी है, ये म्युनिसिपैलिटी है, यहाँ म्युनिसिपैलिटी का मोनोग्राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये सारा सबूत के आधार में हमने उनको बताया कि ये अधिकारी मिलके जो है एनसीपी चला रही है, इनको ख़त्म करना चाहिए। दूसरी बात आपको बताना चाहिए, कमिश्नर ने हमें कहा कि हो सकता है वो नगर सेवक का फंड से है, तो हमने उनको जवाब दिया कि जिला नियोजन महाराज शासन का एक पत्र है जो ये यहाँ पे बैनर फोटो लगा है, सुशोभीकरण जो है सुंदरीकरण बनाया गया है, ये नामंजूर है, कोई मंजूरी नहीं किया गया। फिर उन्होंने कहा हो सकता है नगर सेवक, तो हमने उनको वो भी बताया कि ये थाने महानगर पालिका ने दिया है कि ये भी जितने भी बैनर फोटो लगे हैं इसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है, ये सर्व निरंग है, मतलब वो बेबुनियाद है, गलत है। तो उन्होंने तत्काल लाल पेन से आदेश दिया कि मुमरा शहर में जितने भी बैनर हैं इलीगल तरीके से, जब जन जो एक संस्था का बोर्ड उतारा गया उसी तरह ये सब बोर्ड उतारना चाहिए, यहाँ गलत काम नहीं होना चाहिए।